भीषण गर्मी में गिरिडीह जिले में बढ़े बिजली संकट को लेकर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव किया। घेराव के बीच जीएम प्रदोष कुमार से झामुमो का एक शिष्टमंडल वार्ता के लिए पहुंचा। वार्ता में जीएम प्रदोष कुमार ने 2-3 दिनों में बिजली समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने जीएम को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फोन रात के 2:30 बजे लोग फोन करता है, लोग 2 बजे आपके डायरेक्टली पहुंचता है कि बिजली क्यों बंद है भाई, आधा घंटा बिजली नहीं रहता है, आते आज बिजली आधा घंटा ट्रिप पर जाना 1 घंटा बंद हो जाता है। आखिर समस्या का समाधान कैसे होगा? आज आप कल का बता दिया कि टीवीसी का घंटा सेट कर दिया, ये 1.5 घंटा कर दिया, ये तो समाधान हम जनता तो आपसे मांगेंगे, आप तो कंज्यूमर है, हम तो आपसे बिजली मांगेंगे। मान लेते हैं हम 7-20 बोर और करता है फूल अल्ले देके मिला के हो गया, उनका मिका नहीं करता। इसके पहले कुछ हमारा लोड कंस्ट्रेंट था, लोड कंस्ट्रेंट था जिसे देख रहे होंगे 1 घंटा कट गया, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको भरोसा दिलाते हैं जल्द ही हम लोग पुराने लेवल पे जैसे पहले आपको बिजली दे रहे थे अनवरत हम लोग। आश्वासन के लिए ठीक है, होता क्या है ना, ये सरकार का भी हम विश्वत्री को पद सरकार का भी एक सिस्टम का मांग है। अब आम जनता ये समझती है कि बिजली में नाकामी प्रशासन का है, बिजली विभाग नाकाम हो गया, जनप्रतिनिधि विधायक है सांसद है वो लोग नाकाम फेल कर गया, सरकार फेल कर गई है, लोग आंकड़ा डालता है सोशल मीडिया में, लोग आंकड़ा डालता है रघुवर दास के टाइम में इसी महीने में बिजली का क्या आपूर्ति था, हमारा क्या आपूर्ति है, तो ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है हम लोगों पर, ये पूरे राज्य में समस्या है। लेकिन गिरिडीह में जो हम लोग पिछले 10 दिन से जो भुगत रहे हैं, बैठक में हुआ था माननीय मंत्री महोदय के अध्यक्षता में जिला विद्युत समिति की बैठक हुई थी, आपके विभाग से जो डाटा बताया गया उसमें माननीय विनोद सिंह जी विधायक ने उसी समय आपत्ति किया था कि डाटा आपका लगता फर्जी है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि आपको बिजली मिल रहा है 150 मेगावाट, आप 201 मेगावाट पीक लोड दिखाते हैं और 20 घंटा बिजली कैसे आपूर्ति कर दीजिएगा, तो डाटा ही एक टाइप का था, हम उसको भी इनकार करते हैं चलिए। लेकिन आम आदमी अगर 15 घंटा भी बिजली मिल जाए तो लोगों को संतुष्टि हो जाती है, अब पानी नहीं चलता है वोल्टेज, उसके बाद अगर बिजली है भी तो अभी 151, 152, 150 आपको वोल्टेज बताता है, मोटर नहीं चल रहा, मोटर नहीं चल रहा, पानी का मोटर मोटर नहीं चल रहा है, लोगों का पंखा एकदम धीरे धीरे जो आप ही के हाथ पंखा की स्पीड देख लीजिए, लेकिन ये समस्या है, ये तो समाधान आप ही के हाथ में, इसका समाधान करेंगे आप लोग का सहयोग सही करेंगे, लेकिन आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि पिछला 10 दिन से जो भी प्रॉब्लम रहा है ये आप हम लोग कर रहे हैं कर देंगे। कॉपी तो नहीं।